टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ पीसीआर या वेरिएशन ऑफ पीसीआर्स। तो डिफरेंट टाइप्स के पीसीआर की रिक्वायरमेंट हमें क्यों होती है, तो ये चीज़ हम आज देखेंगे। तो पीसीआर में कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं, जैसे कि हम जब पीसीआर करते हैं तब हम अननोन सीक्वेंस का पीसीआर नहीं कर सकते, हम सीक्वेंस नोन होना चाहिए तभी हम उसका पीसीआर कर सकते हैं। तो टारगेट डीएनए पोर्शन में फ्लैंकिंग रीजन या सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वो सीक्वेंस जानकर ही हम प्राइमर डिज़ाइन करते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम इनवर्स पीसीआर को यूज़ करेंगे। सेकंड ये कि जब हम पीसीआर करते हैं तो एक साथ सारे रिएक्शन करते हैं, तो इसका रिज़ल्ट अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। तो इस बीच हम ये नहीं देख सकते कि जो हमारा टारगेट डीएनए है वो एम्प्लीफाई कर भी रहा है या नहीं। तो इसके लिए रियल टाइम पीसीआर, या उसी को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव पीसीआर, तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा जो डीएनए है वो कितना एम्प्लीफाई कर रहा है। तीसरी चीज़ ये कि पीसीआर जब हम करते हैं तो इसमें बहुत कंटामिनेशन होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये टारगेट डीएनए के अलावा दूसरे डीएनए को भी एम्प्लीफाई कर देता है, तो कंटामिनेशन को कम करना होगा, क्योंकि जब प्राइमर डिज़ाइन होता है तो टेम्परेचर सेट होता है, सब चीज़ में गलती हो सकती है, इसकी वजह से कंटामिनेशन हो सकता है। तो इसमें हम वैसे तो बहुत सारे पीसीआर के टाइप्स होते हैं, लेकिन इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट पीसीआर हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे इनवर्स पीसीआर। तो इनवर्स पीसीआर क्या होता है, इसका यूज़ क्यों किया जाता है? तो इनवर्स पीसीआर इसलिए किया जाता है क्योंकि अननोन सीक्वेंस जो होता है उसका पीसीआर हम इनवर्स पीसीआर के थ्रू करते हैं। ज़्यादातर इनवर्स पीसीआर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को एम्प्लीफाई करने में या म्यूटाजेनेसिस प्रोसेस में यूज़ होता है, क्योंकि हम देखते हैं जनरली नॉन सीक्वेंस जो होता है और एक अननोन सीक्वेंस है और एक नॉन सीक्वेंस है, उसमें जनरली हमें सीक्वेंस नॉन होना चाहिए, तब हम पहले इसको हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो इसमें नॉन सीक्वेंस होना चाहिए और एक अननोन सीक्वेंस, तो जनरली हमें सीक्वेंस नॉन होना चाहिए, तब हम पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल देंगे, एक या अगर उससे नहीं होता है तो दो या तीन। हमें ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देना है जो ओवरहैंग जनरेट करे, ना कि ब्लंट एंड, क्योंकि ओवरहैंग डीएनए को इजीली एक के साथ एक जोड़ सकते हैं। तो जब ओवरहैंग जनरेट होगा तो हम सेल्फ लाइगेशन करेंगे, मतलब सीक्वेंस फोल्ड हो जाएगा, फोल्ड होके एक के साथ एक ज्वाइन हो जाएगा। अब लीनियर डीएनए को सर्कुलर बना दिए, अब जो नॉन सीक्वेंस है तो उसे क्लीव करेंगे एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके, जो ब्लंट इन जनरेट करेंगे। ब्लंट मतलब ओवरहैंग नहीं रहेगा, तो ओवरहैंग नहीं रहेगा, तो उसके बाद सीक्वेंसिंग करेंगे, इसका पीसीआर करेंगे। अब एक ये प्रॉब्लम ये है कि जब हम दोनों टर्मिनल साइट को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देंगे, तब रेस्ट्रिक्शन साइट जो ये एंडोन्यूक्लिएज है वो बहुत सारे साइट से क्लीव कर सकता है, वो नॉन सीक्वेंस के पास पास में भी और दूर में भी क्लीव कर सकता है। अगर पास में क्लीव करेगा तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा हमें, कुछ न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाएगा, तो एग्जैक्टली सीक्वेंस एम्प्लीफाई नहीं होगा। तो इसलिए इनवर्स पीसीआर को जीनोमिक इंसर्ट को फाइंड करने के लिए यूटिलाइज किया हुआ है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कॉलोनी पीसीआर। तो कॉलोनी पीसीआर का यूज़ हम क्यों करते हैं और इसका प्रोसेस कैसे होता है उसको देखते हैं। तो कॉलोनी पीसीआर एक ऐसी प्रोसेस है
जिसमें पीसीआर जो हर मॉलिक्यूलर टेक्निक में यूज़ होती है, और इसे हमें क्लोनिंग के साथ साथ भी करते हैं, जैसे क्लोनिंग कर होस्ट सेल को ग्रो कराते हैं लाइक प्लेट में, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, लाइक प्लेट में सेल को ग्रो कराते हैं होस्ट सेल को, और बैक्टीरियल कॉलोनीज प्लेट में दिखाई देती है। अब इस बैक्टीरियल कॉलोनी से हमें डीएनए को आइसोलेट या एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसे एम्प्लीफिकेशन करना है, तो इसमें बहुत से स्टेप्स इंक्लूड है। सबसे पहले तो बैक्टीरियल कॉलोनी को आइसोलेट करेंगे, उसमें से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उसके बाद डीएनए को रिएक्शन मशीन में डालेंगे, फिर पीसीआर स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत ही मल्टी स्टेप प्रोसेस हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट उतना टाइम नहीं रहता, फास्ट करना पड़ता है। तो एक ऐसा प्रोसेस बनाया जिसमें डायरेक्ट कॉलोनी से सेल को एक्सट्रैक्ट करके पीसीआर स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा इसमें, तो सबसे पहले टूथपिक से कॉलोनी को ले लेंगे मीडियम से, उसके बाद उसे पीसीआर ट्यूब में डालेंगे, फिर पीसीआर बफर में डालेंगे, उसके बाद हम बॉईल करेंगे 5 to 20 minutes और इसे कूल डाउन करेंगे। उसको बॉईल करने से बैक्टीरियल सेल ब्रेक करके बाहर कर देते हैं। इसके बाद पीसीआर में बाकी का जो कंटेंट है, जैसे कि डीएनटीपीस वगैरह, टैग पॉलीमरेज, ये सब डालने के बाद पीसीआर में स्टार्ट कर देते हैं, तो बहुत जल्दी पीसीआर हो जाता है। और डीएनए जेल एनालिसिस में डीएनए को पीसीआर करके ट्रांसफ़र करते हैं एगरोस जेल में, और एगरोस जेल में फिल्म डेवलप करके हम चेक आउट करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये रहा कॉलोनी पीसीआर, तो नेक्स्ट हम नेस्टेड पीसीआर देखेंगे। नेस्टेड पीसीआर इसलिए किया जाता है कि नेस्टेड पीसीआर में कंटामिनेशन कम हो, और जनरल पीसीआर में जैसे प्राइमर जो है वो अलग गलत जगह बाइंड करता है, तो गलत सीक्वेंस में एम्प्लीफाई करके रख देता है। तो जनरली हर एक ट्रेडिशनल पीसीआर में एक सेट होता है, मतलब कि दो प्राइमर होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स, मतलब कि एक सेट, और नेस्टेड में दो सेट होते हैं, एक आउटर प्राइमर और एक नेस्टेड प्राइमर। तो आउटर प्राइमर जो होता है, अगर टारगेट सीक्वेंस ब्लैक वाला है, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं डायग्राम के थ्रू, आउटर प्राइमर अगर टारगेट सीक्वेंस ब्लैक वाला है, तो आउटर प्राइमर बाहर की ओर बाइंड करेगा, एग्जैक्ट सीक्वेंस के साथ बाइंड नहीं करेगा, बाहर बाइंड करेगा। ये फर्स्ट एम्प्लीफाई करेगा प्रोडक्ट को, इसमें भी थोड़ा थोड़ा अनवांटेड डीएनए सीक्वेंस रहेगा। उसके बाद दूसरा प्राइमर जो ऐड करेंगे वो होगा नेस्टेड प्राइमर। तो ये ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि टारगेट सीक्वेंस के अंदर बाइंड करेगा, तब सिर्फ टारगेट सीक्वेंस को ही ये एम्प्लीफाई करेगा, ये दूसरे जगह के अनवांटेड प्राइमर बाइंडिंग साइट में कोई बाइंड नहीं करेगा, मतलब कि एम्प्लीफाई भी नहीं होगा। अगर अनवांटेड सीक्वेंस एम्प्लीफाइड होता भी है तो सिर्फ वो पहले साइकिल के टाइम होगा, दूसरे साइकिल में अनवांटेड प्रोडक्ट एम्प्लीफाई नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि दोनों प्राइमर में कम्प्लीमेंट्री ना रहे, अगर रहता है तो वो बाइंड कर जाएगा, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह से हम नेस्टेड पीसीआर करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लेक्स पीसीआर। तो ये नॉर्मल पीसीआर का मॉडिफिकेशन है, मल्टीप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स नाम या वर्ड से ही हमको पता चल रहा है कि मल्टीपल हो रही है, एक से अधिक हो रहा है, तो मल्टीप्लेक्स पीसीआर एक से अधिक टारगेट को एक
सिंगल रन में एम्पलीफाई करने की कैपेसिटी रखता है, यानी कि एक से अधिक टारगेट डीएनए या उसके जीन को उनको एक ही पीसीआर के रन में एम्पलीफाई कर सकते हैं। इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे हम। हमको अलग अलग प्लेस पर एम्पलीफाई करना है तो हमको अलग अलग प्राइमर चाहिए होगा। तो इसमें सभी जो प्राइमर है हमको चाहिए अलग अलग प्राइमर अलग अलग प्लेस के लिए, लेकिन सभी प्राइमर्स एक ही एनेलिंग टेम्परेचर पर होने चाहिए, एक ही एनेलिंग टेम्परेचर को फॉलो करना चाहिए, तभी ये प्राइमर मल्टीप्लेक्स के लिए सूटेबल होंगे। ओके, यदि डिफरेंट टेम्परेचर वाले या डिफरेंट एनेलिंग टेम्परेचर वाले होंगे तो मल्टीपल टारगेट में अटैच होंगे, तो ये एनेलिंग टेम्परेचर को उसी के हिसाब से करना होगा, तो इसलिए उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए हमें सेम जो है एनेलिंग टेम्परेचर चाहिए होगा इसके लिए। तो इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। प्राइमर का सेट है यहाँ पे दिख रहा है, और आपका डीएनए स्टैंडर्ड जो डबल स्टैंडर्ड है, तो डबल स्टैंड में हम लोगों ने यहाँ पर अलग अलग प्राइमर सेट डाला हुआ है, उसको डिफरेंट कलर्स में इंडिकेट किया है। तो ये फॉरवर्ड रिवर्स प्राइमर डीएनए स्टैंड में अलग अलग प्लेस पर या साइट पर जाकर अटैच होंगे, ऐसे ही ये एम्पलीफाई करेंगे और फिर उसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करेंगे और रन करा के विजुलाइज करेंगे। हम लोगों को यहाँ पे अलग अलग टारगेट डीएनए एम्पलीफाई करते हुए वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में विजुलाइज होंगे। कंप्लीट जीनोम के अलग अलग टारगेट एम्पलीफाई अगर हम करना चाह रहे हैं तो उसको मल्टीप्लेक्स सेट ऑफ प्राइमर यूज़ करेंगे। तो मल्टीपल सेट ऑफ प्राइमर इसमें यूज़ करते हैं हम मल्टीप्लेक्स पीसीआर में। तो सबसे पहले मल्टीप्लेक्स पीसीआर 1988 में डिस्ट्रोफिन नाम के जीन की स्टडी के लिए किया गया था। इसके बाद 2008 में मल्टीप्लेक्स पीसीआर का यूज़ माइक्रोसैटेलाइट और सिग्नल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म के स्टडी के लिए यूज़ किया गया था। अभी 2020 में कोविड-19 या कोरोना वायरस पेंडेमिक वायरस है जो उसके डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया गया था। इसको सबसे पहले सीडीसी सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल ने पहले यूज़ किया, फिर बाकी जगह यूज़ होना स्टार्ट हो गया। मल्टीप्लेक्स आरटीपीसीआर से सार्स कोविड के मल्टीपल रीजन को एम्पलीफाई सक्सेसफुली किया गया। इसका यूज़ म्यूटेशन की स्टडी लिंकेज की स्टडी के लिए भी मल्टीप्लेक्स के थ्रू हम कर सकते हैं। तो बाकी की जो वेरिएशंस हैं पीसीआर के उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसे समझने से पहले आप पीसीआर जिसका मैंने पहले से ही वीडियो बना रखा है उसको आप देख सकते हैं।